उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। एक महिला अपने पति की मौत के बाद उसे सोया हुआ समझकर 3 दिन तक शव के साथ ही रहती रही। जब देवर घर आया तो उसे भी मिलने नहीं दिया। छोटे भाई ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार बलीचा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सत्यम टावर निवासी महावीर कोटड़िया अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। पत्नी मानसिक रूप से कमजोर है, दंपति के संतान भी नहीं है। 3 दिन पहले 23 सितंबर को महावीर का भाई तबीयत पूछने उनके घर गया था। महावीर कमरे में थे। उनकी पत्नी ने देवर को बताया कि पति नींद में है। इस पर भाई लौट गया। भाई बुधवार सुबह वापस मिलने पहुंचा। इस बार भी पत्नी ने कहा कि पति सो रहे हैं। शक होने पर भाई ने गोवर्धन विलास थाने में सूचना दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। घर में कुछ दुर्गंध भी फैली थी। पुलिस ने कमरे में नजर डाली। महावीर पलंग पर थे लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। शरीर अकड़ा हुआ नजर आ रहा था। पुलिस ने शव को तुरंत एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस और डॉक्टरों का मानना है कि महावीर की मौत 3 दिन पहले ही हो गई थी। पुलिस का कहना है कि मृतक की मौत कैसे और किन कारणों से हुई है, इस बात का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लग पाएगा। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। एक महिला अपने पति की मौत के बाद उसे सोया हुआ समझकर 3 दिन तक शव के साथ ही रहती रही। जब देवर घर आया तो उसे भी मिलने नहीं दिया। छोटे भाई ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार बलीचा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सत्यम टावर निवासी महावीर कोटड़िया अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। पत्नी मानसिक रूप से कमजोर है, दंपति के संतान भी नहीं है। 3 दिन पहले 23 सितंबर को महावीर का भाई तबीयत पूछने उनके घर गया था। महावीर कमरे में थे। उनकी पत्नी ने देवर को बताया कि पति नींद में है। इस पर भाई लौट गया। भाई बुधवार सुबह वापस मिलने पहुंचा। आरएनटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद एआई टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, BEd, BA BEd, BSc BEd, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।